choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर डूम। तो अब तक कहानी में आपने देखा अर्थ पे पॉल्यूशन काफी बढ़ चुका है। इस समस्या को कम करने के लिए चांद के ऊपर एक ब्लैक होल बनाया जाता है ताकि सारे कचरे को उसके अंदर डाला जा सके। लेकिन डॉक्टर डूम अच्छे से समझता है कि यह सब आगे चलकर खतरा पैदा करेगा और उसे अपना अकेलापन भी सता रहा है। ध्यान आसानी से लग जाता है लेकिन ध्यान से आगे बढ़कर कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये बात मान लेना मेरे मन का बोझ हल्का कर देता है। कहते हैं कि मैं एंटलाइन प्रोजेक्ट से खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे अंदर घमंड भरा हुआ है। लेकिन घमंडी तो वो लोग हैं। ये वर्ल्ड काफ़ी आगे निकल चुका है इतना कि अब इसे बचाया नहीं जा सकता। डॉक्टर डूम फिर से सोचने लगता है जहाँ वो अपने बेटे कोस्टिंग के साथ फिशिंग कर रहा है। कोस्टिंग बोलता है, मैं बोर हो गया। विक्टर ने कहा, धैर्य रखो बेटा, मुझे बस एक मछली पकड़नी है। पता है बेटा, अगर हमें कोई परिणाम चाहिए तो हमें इंतजार करना होता है। आपको तो किसी चीज का वेट नहीं करना पड़ता। हाँ बेटा, करना पड़ता है। लेकिन आपने वर्ल्ड को बचाया। अरे नहीं बेटा, वर्ल्ड ने खुद को बचाया, मैंने तो बस मदद की। एंटलैंड कंट्रोल सेंटर, मून की डार्क साइड। ब्लैक होल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट डालने का प्रोग्राम चालू है। वर्कर्स आपस में हंसी खुशी मजाकिया बातें करते हैं लेकिन तभी वहाँ एक धमाका हुआ। कंट्रोल सेंटर के चीतड़े उड़ चुके थे। यहाँ पे काफी सारी मिसाइलों का हमला जो हो रहा था, जो कि सब लटवेरिया से चलाई जा रही थी। साथ ही ये मिसाइल्स एक स्पेस स्टेशन को भी उड़ा देती हैं। लेकिन डॉक्टर डूम खुद चौंक गया क्योंकि ये सब कुछ उसने नहीं किया था। 37 मिनट बाद डॉक्टर डूम विक्टोरियस से पूछ रहे हैं, मिसाइल्स लॉन्च करने का ऑर्डर किसने दिया, जवाब दो। विक्टोरियस ने कहा, हम नहीं जानते, वो सभी कुछ बिना किसी वार्निंग के एक्टिवेट हो गया। उसका टारगेट क्या था, कितना डैमेज हुआ है? एंटलाइन स्टेशन और कंट्रोल सेंटर। लेकिन कंट्रोल सेंटर के अंदर मिसाइल्स हमले होने से पहले ही धमाका हो चुका था। कितना डैमेज हुआ है? वो दोनों डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। स्टेशन के ऊपर कितने लोग मौजूद थे? सेंटर के अंदर कितने लोग मारे गए? लगभग 3000। तभी डॉक्टर डूम ने स्क्रीन पे देखा, कंट्रोल स्टेशन से कुछ लोग बाहर निकले थे और वो अपने हाथ में लटवेरिया का झंडा फहरा रहे हैं। तभी विक्टोरियस ने बताया, अमेरिका ने खुद ब खुद डिसाइड किया है, रोमानिया और हंगरी के अंदर नाटो यूनिट्स हमारी तरफ आ रही हैं। डॉक्टर डूम बोलता है, मुझे उनसे बात करनी है। प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर या फिर डिक्टेटर, मेरी किसी से भी बात करवाओ। तभी जनरल बताता है, हमारी तरफ मिसाइल्स फेंकी जा रही हैं। डॉक्टर डूम बोलता है कि डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करो। तो जनरल ने बताया, डिफेंस सिस्टम बंद पड़ा है, हमारे एयरबेस पे हमला हुआ है, एक शहर पे मिसाइल भी गिर चुकी है। तभी डॉक्टर डूम ने ऑर्डर दिया, सरेंडर कर दो। ये सुनकर विक्टोरियस चौंक गई लेकिन डॉक्टर डूम ने फिर से अपनी बात कही, सरेंडर, बिना किसी शर्त के सरेंडर करना होगा अभी। फिर डूम वहां से जाने लगता है। विक्टोरियस ने बताया, आसपास के सारे सुपर ह्यूमंस को आपको पकड़ने के ऑर्डर्स दिए गए हैं या फिर जान से मारने के। डॉक्टर डूम बोलता है, मेरी बात सुनो, मैं अगले एक घंटे के अंदर पकड़ा जाऊंगा, मेरी जगह पे तुम्हें लटवेरिया संभालना होगा, फिर तुम नाटो को लटवेरिया की मिलिट्री का फुल कंट्रोल देना। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम करोगी जोरा, तुम इस देश का हीरो बनना चाहती थी, अब बनो। जो आपने कहा है मैं करूंगी, लेकिन आप मुझे सच बताइए, क्या ये सब आपने किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर शक करने की, तुमने सोचा भी कैसे? 2 घंटे बाद इस दुनिया की मिलिट्री डूम को पकड़ने आ रही है। डॉक्टर डूम को लगता है बहुत देर हो गई। तभी यूनियन जैक उसके ऊपर हमला करता है। तुम कुत्ते कमीने, डॉक्टर डूम ने भी उसे उल्टी लात मारी। बेवकूफ, यूनियन जैक बोलता है, जब मैंने वो खबर सुनी मैं एम्बेसी के अंदर था। तुम तो उस थूक के काबिल भी नहीं हो जो लोग तुम्हारे ऊपर थूकेंगे। वो आप भी डॉक्टर डूम के ऊपर हमला किया जा रहा है, लगता है कि बहुत गुस्से में है। डूम ने भी उसके ऊपर उल्टा अटैक किया, रुक जाओ वरना कठोर दंड का सामना करो। तभी डॉक्टर डूम के कंधे पे एक लेजर का निशान आता है। अगले ही पल गोली चलाई गई जो कि डॉक्टर डूम के आर्मर को चीरती हुई सीधा उसके कंधे में जाकर लगी। ये एजेंट जीरो था, ये मेरा है जैक, मुझे इसे मारने की सुपारी मिली है। जैक ने कहा, हट जाओ एजेंट जीरो, मैं ये काम किसी सुपारी के लिए नहीं कर रहा, 3000 लोग मारे गए। खैर, डॉक्टर डूम अपने ही आंगन में ये सब सहन नहीं कर सकता, वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। डूम ने इन दोनों को ऊपर हवा में उठाया और आपस में टकरा दिया। तुम दोनों रुक जाओ, एजेंट जीरो बोलता है, तुम पहले। कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसकी चली हुई अगली गोली सीधा डॉक्टर डूम के माथे में जाकर लगी लेकिन यहाँ वाला आर्मर इतना कमजोर नहीं है।
अब तक तो डॉक्टर डूम दुखी था, लेकिन अब उसे गुस्सा आने लगा है। वो जैक को दीवार में मारता है और एजेंट जीरो को नीचे गिरा देता है। मैं तुम दोनों को बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सरेंडर करने के लिए खड़ा हूँ। फिर डॉक्टर डूम वही अपने मन में सोचने लगता है। विक्टर कह रहा है, यहाँ के लोग इतने भी बोरिंग नहीं हो सकते, है ना? क्या तुम बोर हो रहे हो विक्टर? शांति मुझे कभी बोर नहीं करती। लेकिन अब बचा ही क्या है? सभी के लिए खाना, समुद्र को साफ करना और दूसरे प्लैनेट्स पे जाकर कॉलोनियां बसाना। इतने भी क्या जल्दी है डॉक्टर डूम? हमारे बारे में भी तो कुछ सोचो। डॉक्टर डूम सोचता है, ये वर्ल्ड मेरा नहीं है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको धमाकेदार लगा होगा। अगर आपको कहानी पसंद है, कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, कहानी पसंद है, तो ये कॉमिक बेस्ट है।